भोपाल में अनुसूचित जनजाति और गरीब तबके के छात्रों के लिए सरकार ने तमाम योजनाएं चलाई हैं, जिस पर सरकार लाखों रुपए खर्च कर रही है, मगर प्रशासनिक अधिकारी योजनाओं की रकम की बंदरबांट कर रहे हैं। अमानगंज तहसील के गांव पंचायत में छात्रावास जर्जर हालत में है, जहां छात्रों को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। छात्रावास में बिजली के बोर्ड खुले पड़े हैं, शौचालय बेहद गंदे हैं। इस मामले पर तहसीलदार का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हम लोग शौचालय में गंदगी है, कभी भी सफाई नहीं होती। वही महीना दो महीना में कभी एक बार आ जाते हैं तो हम लोग बाहर जाते हैं, और ना ही एक बेड सफाई होती है, कम्बल अम्बल धुपते हैं, गंदगी अंदगी रहती है। बहुत कम झाड़ने आने के लिए आते हैं, साफ सफाई नहीं रहती है। ये आपके द्वारा जो संज्ञान में ये मामला लाया गया, इसके बारे में आपके द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है, मैं इस पर शीघ्र जांच करके कार्रवाई प्रस्तावित करूंगी। अगर आप व्यवस्था है तो बिल्कुल करवाऊंगी, मैं कल ही जाके जांच करती हूँ। अगर ऐसी स्थिति है तो बिल्कुल उनकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराया जाएगा और प्रतिवेदन अग्रिम कार्रवाई हेतु उच्च कार्यालय भेजा जाएगा।